जा जी आए बोलो। अरे शर्मा क्यों रहा पागल। जयपुर आ चुके हैं, बस में बैठ चुके हैं, यहाँ पे फिर बस के केबिन दिखाते हैं। ये रहे हमारे भाई लोग। कौन है ये देखो। अरे हाय बोलो सब लोग। कौन है कोई दिख ही नहीं रही। अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाय बोलो इधर। हाय। तो ये इनसे भी मिलो। हाय। फाइनली यहाँ आकर पता नहीं फेस पे क्यों कलर ये सब फील आ रहा है, लाइटें कहाँ आ रहा है। ये हमारा केबिन है। और इस रूम में अतिक्रमण हो चुका है जबरदस्ती। ये लड़की इन दो लड़कों के बीच में घुस गई है। ये दो लड़के इनसिक्योर फील कर रहे हैं। नहीं, कोई इनसिक्योर फील नहीं कर रहा, ये इनसिक्योर फील कर रहा है। ये देखो ये झांसी की रानी आके खामा का बर्बाद वो कर रही है इनका। तो ठीक है, तो अब हमारा जर्नी स्टार्ट होता है जयपुर से उदयपुर के लिए। और अभी जयपुर में ही है, धमकी दी जा रही है कि वापस ले जाएगी, जो कि नहीं जाएगी मुझे पता है। इनको अभी पबजी खेलना है, ठीक है, इनको पबजी खेलना है। और अभी तो हम पबजी खेलेंगे और ये मैडम हमारा पबजी देखेंगी। नहीं आज उनको देखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है, आ गए हम उदयपुर। अब यहाँ से माउंट आबू के लिए क्या आपका वीडियो में प्रावधान के लिए खेला है। और हमारा सीट नंबर चेंज हो गया, वो आगे बैठ गए थे तो पीछे आ गए। चलो वापस से गुड मॉर्निंग बोल लो भाई लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से आबू रोड के लिए बस पकड़े हैं। पता नहीं आबू रोड उतरेगी तलेती नाम की कोई जगह, वहाँ उतारने वाली है। और हमारा शक्ल देख के पता चल रहा है कि सुबह से उठ के क्या हाल होता है। हमने ब्रश भी कर लिया, मैंने खा भी लिया मैगी। हमने पेट्रोल पंप पे जाके ब्रश किया और नियरेस्ट लोकेशन पे। अरे तुम ही बताओ यार, बता ही रहे हो सब कुछ। बताओ बता दो, तुम बता दो आप क्या बता है। ये दोनों अपवाद मनुष्य जिनको शर्म आती है बोलने में, ठीक है, तो शर्म नहीं आती है। पता नहीं क्या होगा इनका, कुछ होता ही नहीं है हमारे लिए। मैंने मैगी लाया था, वो खा लिया हमने। हाँ, तो हमने अभी सुबह सुबह उठ के मैगी खाया और देखते हैं कैसा जर्नी होता है। चाची की हालत खराब है। यस बाबा। ये रहा हमारे चाची। दिख रहे थे थोड़े दादी कट गए। बस निकल लिए आगे की ओर। और ये हमारा ड्राइवर चाचा, ये रहे अपने। किलोमीटर ऊपर जमीन से ऊपर। तो जवानों, हाउ इज द जोश? आई सर।
बाप रे रिकॉर्ड करो ओ मर गया मैं महेंद्र बाहुबली महेंद्र बाहुबली मेरे को आपको बाहुबली बोलते हैं बिल्कुल यू गरीबों के बाहुबली अब यश 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 वहां तक जाते जाते यश यश को मैं नहीं उठा सकता यश को उठा नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं भाई कमर टूट जाएगी अच्छा हम जो ना उठाते हैं यश को आजा चलो आजा ब्रो Now guys, अब हम कहाँ कहाँ घूमे आज गुरु शिखर दिलवाड़ा टेम्पल और सोमनाथ मंदिर इन तीनों जगह को घूम के सबसे बेस्ट और एपिक दिलवाड़ा टेम्पल तो हम एक एक से रिव्यू लेते हैं कि आज का दिन का कैसा रहा आज का दिन बहुत अच्छा रहा और माइक में माइक सबसे ज्यादा मजा हमें आया दिलवाड़ा टेम्पल में दिल खुश हो गया दिल बाग बाग हो गया दिल बाग बाग भी हो गया इसलिए दिल गार्डन भी हो गया गार्डन गार्डन भी हो गया और आज का दिन बहुत अच्छा रहा धन्यवाद हमने तीन जगह घूमे दिलवाड़ा टेम्पल गुरु शिखर और सोमनाथ और इसमें सबसे मस्त और एपिक दिलवाड़ा टेम्पल भाई जान अमेजिंग आर्ट तो अब ये हमारा दूसरा दिन है टोमाटो में और यहाँ पे होली का दिन है ऑब्वियसली बाहर का माहौल देख सकते हैं कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है तो आज सोच रहे हैं बाहर घूमने जाएंगे अभी भूख लगी है तो आलू पराठे पैक करने के लिए आए और फिर यहाँ से निकलेंगे रूम पे होटल पे अच्छे से पेट भरे खाएंगे फिर होली खेलेंगे क्योंकि आज सुबह सुबह ये जो यश बाबा है बहुत तगड़ा सरप्राइज दिया बहुत तगड़ा सरप्राइज दिया और उसका बदला हम चुन चुन के लेने वाले हैं मैंने कुछ नहीं किया जो हम चुन चुन के बदला लेने वाले हैं और आपको पूरा सैंपल वीडियो के साथ दिखाएंगे तो हम सोच रहे हैं कि अब हम ही इन्हें सरप्राइज देंगे अब ये रूम पे जाके चश्मे के दोनों लेंस निकाल दिए इन्होंने ये ऐसे दुष्ट प्राणी तो स्टार्ट किसने किया कोई ना यश बाबा कुछ टाइम बाद अपने बीवी बच्चों को दिखाएंगे ना बेटा देखो मेरी तो लाइव हुई थी आज तक किसी ने नहीं किया मैंने किया ठीक है मैं बोलता हूँ मैं धोने वाला हूँ यश बाबा बोलेंगे बेस्ट एवर होली इन माय लाइफ राइट बोलो बोलो यार बोलो के बोलो शर्मा तुम खाए हो
टेड्रॉक पे और हमारे सारे बंदू साथ में हमारे और हमें सबसे और पहले क्या दिख गया वो दिखाओ शिवम, वो ऊपर दिख गया वो रहा टेड्रॉक इंडिया की पहचान और इंडिया की पहचान
ये बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है, उस पर लिखा रेहान। हाँ, सिमिलर रेहान। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो ऊपर जाके बात करते हैं। अभी हम आए हैं ये टेट्रॉक की तरफ, रास्ते में मिल गया ये विवेकानंद जी का तपस्या स्थल। तो इस केव के अंदर उन्होंने तपस्या की थी। और ये केव देखने में बड़ा यहाँ पे सॉल्ट की प्लेट जम चुकी है और बाकी तो अपना पत्थर ही है। यहाँ खड़े हो सकते हैं, असल में जमीन ही है, यहाँ खड़े हो सकते हैं। एक कोटिंग की जाती थी ताकि ये रिसाव कम हो इसमें। तो अच्छी जगह शांत करने के लिए। और आ जाओ सबको इधर नाउ। पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा है, पानी नीला नीला सा दिख रहा है आसमान के हिसाब से। जाजी को चलिए वापस मिलते हैं, होटल के रास्ते में जाते हैं। बताइए। तो फाइनली ट्रिप का ट्रिप कम से मैंने और अब आ गए यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास और पंजाब ट्रेवल्स हमारे जयपुर के लिए वापस से बस है। और ये रहे सब के सब टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे तैयार है। आबू रोड का सफर यहीं तक था। तो गाइस बहुत ही मजेदार ही रही थी, तो जबरदस्त और जिंदाबाद दुर्गा देवी याद रही आज के दिन तो और दुर्गा देवी हमें हमें हाँ दुर्गा जी याद रही दुर्गा देवी जो दुर्गा जी चलो ठीक है। तो अब बस के आने का टाइम हो रहा है, तो बस में बैठ के वापस रिपोर्टिंग करते हैं और फिर हैप्पी जर्नी। ये रहे दोनों बच्चे बैठे हैं और इधर हम बैठे हैं और अभी दूसरे सेना टेबल्स में हमने बुकिंग की है। तो 12 बजे बस है।